सबसे मेन चीज, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल बनाने की, अपलोड करने की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाभी जी के हाथों में है और बोल रहा है कि मैं डेली व्लॉग करूंगी। तो डेली व्लॉग करोगे कसम से? वो भाई ऊपर ना वहाँ पेंट कर रहा था, ठीक है, दो मंजिल ऊपर से, यार उसका फोन ना वहां से नीचे गिरा। बताओ क्या हुआ, वहां से फोन सीधा नीचे गिरा। और तो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि खुशखबरी, हमारे घर में एक मेंबर आने वाला, तो वो मेंबर है, वो मेंबर है स्कूटी। आजकल पापा ने एक नई स्कूटी ले लिया, तो उसकी मिठाई अभी हमारे पंकु भाई ला रहे हैं। मुंह मीठा कराओ भाई। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम अभी तक उठे नहीं हैं और आज ना घर की जो ब्लॉगर है वो आज अपने मायके जाने वाली है, तो कुछ दिनों तक हमारे इधर की घर की जो लाइफस्टाइल है हम दिखाएंगे। और अभी ना भाभी जी ने जो तीन ब्लॉग बनाए हैं वो केवल हमारे गाँव के बनाए हैं, तो अब भाभी जी लोगों के इधर आजकल क्या कुछ हो रहा है वो सारा भाभी जी के ब्लॉग में दिखेगा। और अब सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल बनाने की, अपलोड करने की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाभी जी के हाथों में है और बोल रहा है कि मैं डेली व्लॉग करूँगी। तो डेली व्लॉग करोगे कसम से? तो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी लिया है, देखते हैं किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा उतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि अभी बिगिनर है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं और सीखने में बहुत सारी गलतियां हो सकती है, ठीक है। बोलना बोलना, अब बोलना, क्यों नहीं बोल रही? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोल। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह की ब्रांड देख रखी है आपने कभी? वाइट वाली। ऐसा है ना, ये वाली ब्रांड हर कोई पी सकता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये बीच में ब्लर कर, ये वाली ब्रांड हर कोई पी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। क्या बोला तूने? लिखा वाली ब्रांड। जो आपको व्हाइट कलर का ब्रांड दिख रहा है वो हर कोई पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अनवी, उठो उठो आप, चलो हम भी निकलेंगे भाई बाहर। सोए रहेंगे क्या आज? मामा की बूढ़ी अपलोड हो गए, मामा की बूढ़े देख रही, चला जा। तो चलो दोस्तों, फिलहाल अभी हम भी बाहर जाते हैं, आप लोगों को पहले मौसम दिखाते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह का मौसम है, कल से थोड़ा सा मौसम खराब है यार, आज तो कुछ ज्यादा ही खराब है। बस उम्मीद ये है कि भाई बारिश ना आए, बर्फबारी ना हो, क्योंकि दुर्गेश भाई की शादी नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हुए, अगर बारिश लग जाए तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा झेल लेंगे। बाकी हमारे कालू से मिल लीजिए, कालू बड़ा खुश दिख रहा है सुबह से। वो कालू, ओए क्या हुआ, क्या हुआ, हो गया आज आशा अकेला पड़ गया तू भी? ये हमारा छोटा वाला पिंटू, ये आज जाने वाला है, ये जिसका कुत्ता है ना इसको हम वापस देने वाले हैं। इसे इसकी बहुत गलत गलत आदत है, कल इसने दुर्गेश भाई के मतलब अंदर एक कढ़ाई में ना पूरा हलवा बना रखा था इन्होंने, तो इसने भाई साहब एक तिनका भी नहीं छोड़ा। अरे पेट देखो, इतना सा पेट है इसका। तो आज ये जाने वाला है, इसकी आज हम विदाई करने वाले हैं। और बाकी हमारे दो कुत्ते तो है ही। ओ ब्लैकडी इधर देख। हाँ भाई साहब, सर झुका झुका के कहाँ जा रहे हो तुम? बाकी दोस्तों हम मार्केट तो जाना ही रहे, तो आज हम यहाँ पे जो आउटलाइन है वो भी कंप्लीट कर देंगे। और दुर्गेश भाई जा रहे हैं मार्केट, आज कलर वगैरह लेके आएंगे। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, काटा? पहले इसको मारेंगे, ये देख, ये देख, हमारे अनवी को काट रहा, हमारे अनवी को काट रहा, तू मारेगी? आजा आजा, मैंने मार दिया, उसकी पिटाई कर दी भाई, मैंने उसकी पिटाई कर दी। तू मार, तू भी करेगी पिटाई उसकी? चल पिटाई कर तू भी उसकी। अरे कालू कहीं का, मेरे को मार रहा, बोल मेरे को मार रहा, मामा के सामने बोल, कर उसकी पिटाई, कर मार, और मार और मार। गंदा कुत्ता कहीं का, बोल पिटाई कर रहा, बोल पिट्टी करूंगी, बोल तेरी ढंग से मैं। तो ये देखो दुर्गेश भाई भी जाने लगे मार्केट, और उधर ब्लॉगर ब्लॉगर साहब भी चले गए। तो खूब वीडियो बनाओ, खूब वीडियो बनाओ, खूब वायरल करो वीडियो, खूब तरक्की करो। तो दोस्तों अभी ना मैंने इस साल के जितने भी कार्ड थे, अभी तक जितने भी कार्ड आ रखे थे वो सारे इकट्ठे गए, और पता कितने हुए? ये देखो पूरे 20-25 कार्ड, और ये शादियां ना ये 10-15 दिनों के बीच में, तो लगाओ इन 10-15 दिनों में इतनी शादियां अटेंड करना इज नॉट पॉसिबल। तो होता क्या है कि हम जहाँ पे मतलब हमको नजदीक पड़ता है, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होता है वहाँ पे हम अटेंड करते हैं, बाकी जगह कोई और जा रहा होगा तो उनके पास न्योता दान वगैरह वो वहाँ पे लिखाने के लिए दे देते हैं।
इसी तरह से काम चलता भाई साहब। कार्ड देखो ना इतने ज्यादा हो कैसे पाएगा, देखो एक ही दिन में 2-3 शादियां अटेंड बहुत मुश्किल है, वो भी अलग अलग जगह, इसी तरह से काम चलता है। तो फिलहाल मैं भी सफाई कर रहा था ना, फिर मेरी नजर पड़ी इन कार्डों पे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पे ना हनुमान मंदिर पे आ चुके थे, कल जो हमारी हल्की फुल्की जो आउटलाइन बची हुई थी वो करने के लिए आ रखा था। अभी देखो अभी इतनी आउटलाइन हो चुकी है, शायद आप लोगों को दिख रही होगी ये, तो अभी ना थोड़ी सी और बची हुई थी, लेकिन अभी जो इसकी जो ब्राइटनेस है इतनी ज़्यादा है ना, धूप इतना तेज़ हो रहा है कि ये वाइट वॉल पे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यार। और ऑलरेडी हम काणे आदमी, हमको तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। अभी हमको ये कंप्लीट करना है, हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब 1-1.5 घंटे में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और दुर्गेश भाई मार्केट गए हुए हैं, तो आज पेंट वगैरह भाई लेके आएगा, तो कल शायद अगर कल कुछ काम ना हो तो कल में हम ये पेंट पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा दिव्यांशु भाई का, तो देखते अभी थोड़ा दिव्यांशु भाई का इंतज़ार करते हैं, वो दुकान में गया हुआ है ना, तो वहाँ से आएगा फिर उसको वहाँ से इधर मंगाऊंगा एक चश्मा लेके आ बोल करके, नहीं तो नहीं देखा जा रहा भाई। आप ही देख लो ना यहाँ फोन से कितनी तगड़ी वाली ब्राइटनेस आ रही है, नहीं हो पा रहा यार दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा कसम से। मैं जैसे ही फ़ोन पे देख रहा हूँ ना, फ़ोन में जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसकी जो ब्राइटनेस है ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा है। जब मैं वहाँ देख रहा हूँ तो फ़ोन का नहीं दिख रहा है, फ़ोन में देख रहा हूँ तो वहाँ देखा ही नहीं जा रहा, इतना तगड़ा चमक रहा है। कालू लेने आ गए मेरे को, दिल में मैं खो चुका हूँ। क्या हुआ? अरे कहीं नहीं गया था, फोन बोर्ड देता तूने। तो दोस्तों अभी चश्मा मिल चुका है इस भैया भाई ना, लगभग आधा घंटे से ढूंढ रहा, अरे इसको एक चश्मा ही नहीं मिला यार कसम से, मतलब नहीं मिला। गाइस ने कहा मेरे रूम में जा बोले चश्मा ढूंढ के ला बोले, मैं गया उसके रूम में था नहीं, मेरी गलती है कसम से। गायल और जगह नहीं देखा तूने? और जगह भी देखा पर क्या आगे फूट गए ये कान है, हम काने तो है ही है ना, लेकिन नहीं नहीं अभी तू वहाँ पे चल, तेरे को पता लगेगा, अभी 5 मिनट देखेगा ना उस पर, जब सर घूमेगा ना तब पता लगेगा तेरे को। भाई साहब ना पूरा जमीन आसमान का अंदर है भाई, नॉर्मल इस तरह से देखो और चश्मा लगा के देखो, मतलब चश्मे से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है, लेकिन जैसे चश्मा उठा रहा हूँ ना ऐसा लग रहा है कसम से आगे से पता नहीं किसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मिरर रखोगा वो आंखों पे चमक रहा होगा। ओ भाई जी, तो शायद अब हो ही जाएगा, अभी दिव्यांश भाई आएगा एक बार उसको ट्राई करके दिखाऊंगा। उधर तो खूब बोल रहा था ना बोल करके, कान है तू ये है वो है, अगर उसको आने दो एक बार, दिख रहा लागू आरसी तरी में लगेड़ भी बेटा, अभी सामने तो जाओ, अभी तो दूर भी देखू आज ही सामने जा, ये देखो रिएक्शन। अरे भाई वैसा मत देख ले, पहले चश्मा लगा एक बार चश्मा लगा भाई, यार दिख रहा क्लियर है अब ये देखा बेटा। दोस्तों कसम से बोल रहा हूँ यार, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नखरे कर रहे ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रियल में बहुत ज्यादा चमक रहा है यार। इसको लगा कि पहले ड्रामा ही कर रहा है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे फालतू बैठा हुआ था ना, इसको लग रहा था कि ये खाली ड्रामे कर रहा है और एक बार टाइम पास करने के लिए गया वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलो फिलहाल अभी दिख तो रहा ही है, अब फटाफट इसको बनाते हैं। आ जा जल्दी कालुआ, दस गिनती होने वाली है, जल्दी दौड़ हम उल्ले छुला था बाहर भी पहुंच गया। क्या वे बहुत जल्दी आए भाई तू। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 3 कुत्ते हो चुके हैं, 2 कुत्ते तो पहले ही से थे, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, लेकिन अभी कुत्ता और आ चुका है, तो 3 कुत्ते हो गए मिल करके। तीन भाई है, मैं हूँ इंसान का, इंसान वाला कुत्ता, ये मेरा काला कुत्ता। अरे चुप रहो, सोचा कुछ बोलो। ओए उठ भाई, बाहर नहीं जान, पेट पानी नहीं खान, चल उठ ये ला। उठ सुन, मैं गौर बैड मशीन क्या। तो चलो दोस्तों अभी 1 बजने वाला है, इसको तो पता ही नहीं लगा, इसको तो नींद भी आ गई, तो अब खाना वगैरह खा के आएंगे, बाकी आउटलाइन वगैरह लगभग लगभग हो ही चुकी है, अब दुर्गेश भाई का इंतजार रहेगा है।
अब तुझे थोड़ा कैमरा देके आना है, पता हूँ कद तक जान पार जाने बिलखाण का अंचल। तो दोस्तों अभी शाम की 3 बज चुकी है, 3 बज गया, 300 ओवर हो गया, अभी 3:30 यानी 4 बजने वाला है। दुर्गेश भाई जोशीमठ से आ चुका है, सामान वगैरह दुर्गेश भाई अपना भी लगभग थोड़ा बहुत ला ही चुका है, और बाकी पेंट वगैरह भी आ चुका है, और कल से हमारा जो उधर पे मंदिर पे जो पेंट है वो भी हो जाएगा। उसके लिए हम सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार कि कब वो बने और यहाँ से किस तरह से दिखे, सब ज़्यादा एक्साइटेड उस चीज़ के लिए। बाकी आज दुर्गेश भाई थोड़ा बहुत सामान लेके आया, तो सबसे पहले ना यहाँ अंदर दुर्गेश भाई ने पेंट वगैरह कर दिया यार। कल क्या हुआ कि इस पे पहले थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर कर रखा था, यहाँ पे बिल्कुल डार्क वाला ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो कल दुर्गेश भाई का मतलब कल ही काम नहीं कर रहा था कि ये इतना डार्क कैसे हुआ, तो फिर अचानक दुर्गेश भाई के दिमाग में एक बत्ती जली कि हम इसका कुछ और भी कर सकते हैं। तो बाहर से दुर्गेश भाई ने सब गोल्डन कलर का, पीला कलर का ऐसे छिट्टे टाइप के मार दिए, और अब कुछ इस तरह का दिख रहा है, मतलब मस्त लग रहा है, बिल्कुल अलग क्रिएटिव कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा मस्त। ये देखना ये दोनों साइड की दीवार, पहले पूरी ब्लू थी, अच्छा दिखेगा, हाँ पूरा दिखेगा। चाय पी भाई, क्या हुआ अजमेर भाई, जय हो प्रभु। दोस्तों अभी चाय आ रही है, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद दुर्गेश भाई ने थोड़ा पेंट ला रखा है हल्का फुल्का, दुर्गेश भाई का पेंट बाहर पे करना हुआ बचा हुआ था, अभी थोड़ा उसको कर देंगे। और भाई ने तो आज कुछ नहीं खा रखा भाई, सुबह से बोल रहा कि सुबह एक रोटी तक नहीं खा रही है, अब टाइम नहीं होगा बाबू शादी तक है। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अब क्या है ना, शाम को आज हम फिर से शादी में जाने वाले हैं हमारे गाँव में, और शादी है जहाँ पे परसों हुई थी उसी के जस्ट बगल पे, तो आज वहाँ पे मेहंदी है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने छोटा सा इंसिडेंट दिखाएंगे, छोटा सा नहीं है बहुत बड़ा इंसिडेंट है। वो भाई ऊपर ना वहाँ पेंट कर रहा था, ठीक है, दो मंजिलों ऊपर से, यार उसका फोन ना वहाँ से नीचे गिरा, बताओ क्या हुआ, वहाँ से फोन सीधा नीचे गिरा और इस चप्पल के ऊपर टपका है और सीधे यहाँ पे भाई लगा ना फोन को, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब यार ऐसा बहुत कम चांसेस में होता होगा किसी के साथ, नहीं दोस्तों सोचो ना यार, ये चप्पल ही यहाँ पे किस तरह से रखे हुए थे जो वहाँ पे टपका करके सीधे फोन वहीं पे गया। अरे मुझे लगा ऊपर से कुछ पत्ता वगैरह गिर गया ना, क्योंकि गिरा ही वो उस तरीके से, पता ही नहीं लगा इतना भारी चीज गिरा। दिव्यांशु भाई मानना पड़ेगा किस्मत तो है भाई तेरी। अरे मैं यहाँ पे लगा रहा था ना, अब वो जेब से मैं बोल रहा है ये गाना काम कर रहा, मेरा फोन गया पर गएगा, मैंने कहा फोन गिर गया, अच्छा फोन तो मैंने उल्टा होते हुए देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिल से कर रहा था दिव्यांशु काम, इसीलिए नहीं दिल से कर रहा नहीं हुआ। बिल्कुल इसीलिए उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और जो अच्छा करता है उसके साथ तो कभी गलत नहीं होता, कभी होना भी नहीं चाहिए। तो दिव्यांशु बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो मेहनत करते रहो, पूरा 10,000 बचा दे, चूना मेल पे लग गया था, चूना नहीं लगता लेकिन फिर भी लगता कि भाई मेरे काम मेरे काम पे हुआ। दोस्तों अभी लगभग सारा पेंट वगैरह चूना वगैरह हो चुका है, चूना नहीं हुआ, चूना मत बोलना, पेंट हो चुका है पूरा, प्लास्टिक पेंट कर रखा भाई ने खर्चा कर रखा, लास्ट में चूना बोल दूंगा तो कहाँ मजा आएगा फिर। तो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, खुशखबरी, हमारे घर में एक मेंबर आने वाला, तो वो मेंबर है स्कूटी, आजकल पापा ने एक नई स्कूटी ले लिया, तो उसकी मिठाई अभी हमारे पंकु भाई ला रहे हैं, मुंह मीठा कराओ भाई। अला 300 रुके अली, पुराने वाले हम पे लेंगे बाबा, दोस्तों अभी रात का 7:30 हो चुका है, अभी हम लोग निकल चुके हैं जंगल के रास्ते, वैसे दो रास्ते, एक जंगल का रास्ता है और एक नीचे वाला रास्ता है, तो अभी हम जंगल वाले रास्ते से निकल रहे सीधे शादी में वहाँ पे, जहाँ पे इससे पहले भी हम लोग गए हुए थे, तो अभी यहाँ पे बीच जंगल में, बिल्कुल बीच जंगल में जहाँ पे कि हम परसों आ गए, यहाँ पीछे पूरी हमारे पंकु बाबा, ये हमारे बाबा लोग हैं, बिल्कुल चुप। और हाँ दोस्तों, रात में चलने का मजा और रात में राइड करने का जो मजा है ना, वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल है यार, बिल्कुल अलग, बहुत मजा आता है रात में चलने में। रात में चाहे तुम कितना भी दूर चलो, कितना भी डेंजर रास्ते में चलो, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोग चल रहे होंगे, मतलब तो जल्दी कवर कर लेंगे भाई आप जितनी भी दूर हो। भाई साहब है पंकु भाई, रात के ब्लॉग आ चुके हैं आप लोगों के लिए, सामने देखो गाँव, ओ ये गिर गया नीचे, ऊपर लगी नहीं लगी थोड़ा लगी।
हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे की शादी होने वाली है। ये सामने पे देखो, सामने पे आप लोगों को वो लाइट दिख रही होगी, वो जमजम वाली। नमस्ते भाई जी, बढ़िया। नमस्कार भाई जी, हाँ सर, है अब खाते है वो खेले हो रहा वो हम भी खाए। कैसा लगा मेरा मजाक? और बोला कमर पहुंचे और अमन पहुंची भाई साहब बूढ़ो को भाई साहब बूढ़े यार नाती नहीं है बोर्ड नाथ नहीं चाहता हमको घर जाना छोड़ दो। ये मामू ये मामू यार तो दोस्तों अभी रात का 1 बज चुका है। अभी हम लोग अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, मतलब फुल एंजॉय करते हैं यार। साल भर का जितना भी हमने एनर्जी इकट्ठा कर रहा था ना वो सारा आज निकाल दिया। मतलब पैर ऐसे कांप रहे हैं इधर उधर जाते समय, तो बड़ी मुश्किल से अभी इस रियल में ऐसा लग रहा है कि भाई मैं रियल में जहाज घूमूंगा। तो अभी आपने एक छोटी सी एक वो देखी होगी, क्या बोलते हैं उसको, एक एक्टिंग देखी होगी एक जहाजी की, किस तरह से तुम्हारा भाई जहाजी की एक्टिंग करता है बिना दारू पिए। दारू तो क्यों पीना यार, लेकिन बिना दारू पिए में भी हम जहाजी से भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है ये पसंद आए हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, अभी 1 बज चुका है, अभी घर जाना है, और अभी वीडियो एडिट होगी आप लोगों के लिए सुबह के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आज हम आज की नींद को त्याग देंगे और आप लोगों के लिए सुबह हम ब्लॉग लाएंगे 7:30 बजे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को किसी और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद बाय बाय। ये हमारे सारे भाई लोग, आगे से पंकु भाई जा रहा है, पीछे से संजय भाई और दिव्यांशु भाई।